श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने पंज प्यारे नूं हर प्रकार की सिक्ख्या नाल त्यार बर त्यार करके गुरु जी ने उन्हां तों आप अमृत छकिया अते अपने नाम नाल भी सिंघ पद ला के श्री गुरु गोबिंद राय जी तों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अखवाया। जिस अस्थान ते आप जी ने यह सारा कौतक रचिया उसका नाम केसगढ़ रखिया, जो इस समय तख्त केसगढ़ के नाम नाल आनंदपुर साहिब विच स्थित है। ये सारे उत्साह भरपूर चित्र वेख के होर भी हजारा सिख हंडे का अमृत छक के त्यार बर त्यार सिंघ सज गए। सब सिखा ने अमृत छक के पंज ककार की रहत धारणा करके अपने नाम सिंघ रख ले। गुरु जी ने खालसा पंथ की साजना अते जग करन की महिमा सुन के राजा भीम चंद बिलासपुरिया अते होर पहाड़ी राजे मिल करके गुरु जी के दर्शन कर आनंदपुर आए। राजा ने कहा, तुसा अपने सेवकों को पहल दे के केस रखने, अच्छा पहनना अते शास्त्र धारण करने का उपदेश दे के एक नवी रीति तोड़ दिती है। तो गुरु जी ने कहा, तुसी जेकर पहल लेके सिखी धारण कर लवो तो तुहाडा बहुत प्रताप होगा। राजा ने कहा, इस नाल साडे अपने धर्म की लोकाचारी रीति नहीं रहेगी, जिसके अनुसार रहना साडा पिता पुरखी धर्म है। गुरु जी ने कहा, जो रूप केसा सहित परमेश्वर ने दिता है उस परमेश्वर की मोर छाप समझ के रखो। जनेऊ की थां ते दुष्टों का नाश करने वास्ते तलवार धारण करो ते धरती का राज करो। कच्छ पहनो जो पूर्वी रीति अनुसार योध्यां का पहरावा है। निश्चय ही असां इस तरह सूरमियां दा एक अंत प्रगट करके चारे वर्ण जो इस समय तुरकां दे डुबेल हन उसनू पृथ्वी दे राजे करना है। राजिया ने कहा, यह गल साडे मनन विच नहीं आउंदी, गरीब अते बलहीन लोकां नू तुसीं पृथ्वी दे राजे कर दोगे। गुरु जी ने कहा, जिस तरह श्री रामचंद्र ने जंगलां दे बंदरां पासों महाबली रावण नू उसदी बेअंत सेना सहित नाश कर दिता सी, इसे तरह असी इन्हां गरीबां दे सिर ते हाथ रख के हौल दे तेज नाल शस्त्रधारी करके तुरक राज नू नाश कर देवांगे ते इह खालसा धरती दा राज करेगा। अजिहियां गल्लां सुन सुना के राजे अपने डेरियां नू वापस चले गए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखां नू शस्त्र धारण करन दे गुण दसदे होए कहा कि राज भाग शस्त्र दे अधीन हुंदा है, इस करके तुसीं शस्त्रां नू धारण करो ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਸਿੱਖ ਹੈ।